और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आभारी कार्यक्रम का आज से आगाज होने जा रहा है। सोमवार की देर रात को वो समस्तीपुर के लिए रवाना हुए। समस्तीपुर में वो स्थानीय पार्टी के पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पहले चरण में 4 जिलों समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो है ये पार्टी के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और उनसे नेता का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि प्रॉपर फीडबैक पता चल सके। और हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन को और मजबूत किया जाए आने वाले समय को लेकर के। मास पार्टी के साथ साथ कैडर की भी पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये जो पहला जो हमारा जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में जो हम लोग घूमेंगे, ये कार्यकर्ता संवाद होगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर में हम लोग जनता के बीच फिर दोबारा जो है संगठन को मजबूत करके उनके बीच में। रांची से बड़ी खबर है, जहां नए नियम और नए समय के साथ आज से दोबारा उत्पाद सिपाही की दौड़ शुरू हो जाएगी। आज से 13 सितंबर तक ये दौड़ चलेगी। अभ्यर्थियों की दौड़ सुबह में ही होगी और दौड़ पूरी करने का निर्देश दिया गया है। 6 सेंटर पर हर दिन 3000 अभ्यर्थी ही दौड़ेंगे। सभी सेंटर पर मेडिकल, अन्य सुविधा का इंतजाम रखा जाएगा। तो पिछली दौर में लगातार मौत होती रही और ऐसे में कई इंतजाम अब मेडिकल और अन्य सुविधा रहेगी। और जमशेदपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आएंगे जमशेदपुर, तो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन, करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी सीएम सोरेन की तरफ से दिया जाएगा। डोबो काजू मैदान में ये कार्यक्रम होना है। सीएम के आगमन से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने तैयारी का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज जमशेदपुर में कार्यक्रम होने वाला है और सीएम हेमंत सोरेन उसमें शामिल होंगे। सिंहभूम जिले के विशेष शिविर आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री सर यहां पर आने वाले हैं। डोबो मैदान में उनका कार्यक्रम है और इसमें लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण किया जाएगा। आज यहां पर मजिस्ट्रेट ब्रीफिंग भी करी गई। उपायुक्त सरायकेला यहां पर मौजूद है, एसपी सरायकेला यहां पर मौजूद है और इस पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने सभी को ब्रीफ किया। उनके सुगम आवागमन के लिए पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। पूरे कार्यक्रम में करीब 1000 के आसपास पुलिस बल, 229 पदाधिकारी, 40 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी और करीब 14 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी का डेपुटेशन किया गया है। इसके अलावा 3 बाइक दस्ता भी हम लोगों के द्वारा बनाया गया। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने झारखंड में ऑपरेशन एसटी शुरू कर दिया है, जिसने सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। क्या है बीजेपी का ऑपरेशन एसटी और क्यों जेएमएम कांग्रेस इससे बेचैन हो रहे हैं, एक रिपोर्ट से समझिए। बीजेपी का ऑपरेशन एसटी, जेएमएम में मची खलबली। झारखंड में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बज सकती है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन एसटी, जिसने सत्ता पक्ष यानी जेएमएम और कांग्रेस की बेचैनी को बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, उस चरित्र से हम सभी वाकिफ हैं और जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी यहां पर ऑपरेशन चला रही है, हमको लगता है कि वो अपने मंसूबे में, अपने ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकती। बीजेपी सोरेन परिवार में पहले ही सेंधमारी कर चुकी है, कोल्हान टाइगर को अपनी साइड कर जेएमएम को कमजोर भी कर चुकी है, लेकिन अब बीजेपी झारखंड में ऑपरेशन एसटी को अंजाम देने की फिराक में है। जी हां, ऑपरेशन एसटी, जिसकी भनक मात्र से जेएमएम और कांग्रेस सकते में है। झारखंड में बीजेपी की नजर एसटी नेताओं पर है। जेएमएम और कांग्रेस के कुछ एसटी विधायकों के बीजेपी से संपर्क की चर्चा है। दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के एसटी विधायकों पर बीजेपी की नजर है। कोल्हान प्रमंडल से 2 और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से 1 एसटी विधायक पर नजर।
अब तक जेएमएम से तीन बड़े एसटी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये तीनों चेहरे हैं सीता सोरेन, चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी के ऑपरेशन एसटी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जनता हेमंत सोरेन के साथ है, वो उसका परिणाम है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, चाहे जितना भी तोड़फोड़ कर ले, लेकिन इस राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी अपनाने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह का षड्यंत्र करेगी और पहले चरण में क्या क्या नहीं किया वो पूरे राज्य की जनता जानते हैं। अब रही बात कि इस तरह का काम सिर्फ उसके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये सत्ता दल का कॉन्फिडेंस है या फिर माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश पर, समय बताएगा। लेकिन बीजेपी के ऑपरेशन एसटी से झारखंड की सियासत का तापमान तो बढ़ गया है। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुभाष यादव की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। पटना के संपत्ति चक में तीन बड़े प्लॉट जब्त किए हैं। 44 करोड़ से अधिक है जमीन की कीमत। बता दें कि ब्रॉडसस कंपनी के निदेशक हैं सुभाष यादव और कंपनी के एमडी अशोक गुप्ता पर भी दबिश हो गई है। देहरादून के स्कूल की भी संपत्ति जब्त की गई है। आपको एक और जानकारी ये दे दें कि कंपनी के मालिकों की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। राधाचरण सेठ की भी संपत्ति जब्त की गई है। राधाचरण की 26 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और अब तक ब्रॉडसंस की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। कुछ और संपत्ति की भी जब्ती अभी संभव बताई जा रही है। अवैध संपत्ति खोजने में अब ईडी जुटी हुई है, तो एजेंसी की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। गया में डायल 112 के जवान की बाइक लूट मामले में चार अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज के पास रविवार रात लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार अपराधियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेहता पेट्रोल पंप पर कुछ अपराधी राहगीरों के साथ मोबाइल फोन की छिनतई कर रहे हैं। इसकी सूचना पर जब डायल 112 का जवान पहुंचा था तो उसकी बाइक और पिस्टल छीन ली गई। कुछ दूरी पर पिस्टल मिला था जबकि बाइक तालाब में फेंक दी गई थी। गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। स्थल से करीब 100 मीटर 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर एक जो तालाब टाइप का है जिसमें जलकुंभी है वहां से उसको बरामद किया गया है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है और साथ में जो अन्य जो इसमें अपराधकर्मी जो सम्मिलित हैं उनके बारे में भी जो जानकारी है उसको प्राप्त हुआ है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी जारी है। खबर अब सुपौल से है। सुपौल पुलिस को एक लूटकांड की जांच के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अभियुक्त के घर से चार हथियार बरामद किए हैं। इनमें दो पिस्टल और दो देसी कट्टा शामिल है। अंधेरे का फायदा उठाकर अभियुक्त फरार हो गया जबकि उसकी भाभी को हिरासत में ले लिया गया है। 6 सितंबर को पीपरा थाना क्षेत्र में बैंक कर्मी से लूटकांड की जांच के दौरान ये सफलता हाथ लगी है पुलिस को। पुलिस ने वहां से चार अलग अलग नामों के एटीएम कार्ड और एक मोबाइल भी बरामद किया है। लूट में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। हुसैन जो पथरा के ही रहने वाला है और तथा उसके साथ दो अन्य अपराधकर्मी एक शिवम और एक अशफाक उसी के द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया था और हमें यह भी सूचना मिली थी कि उस घटना का में प्रयोग किए गए हथियार जो है वह सद्दाम अपने घर में रखा हुआ है। इसी सूचना के सत्यापन में हम लोग उसके घर पर जब गए थे छापामारी किए तो सद्दाम वहां से भाग निकलने में सफल रहा। रात्रि का समय था, अंधेरा का लाभ उठा करके, लेकिन उसके घर से उनकी जो भाभी है उसके कमरे से चार हथियार जिसमें कि दो पिस्टल और दो देसी कट्टा तथा अलग अलग नाम से चार एटीएम कार्ड और एक मोबाइल बरामद किया गया है।
छपरा में YouTube वीडियो देखकर इलाज करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही गरखा के मोतीराजपुर में अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। फर्जी डॉक्टर अजीत कुमार पुरी को पुलिस ने गोपालगंज से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे जिले में अभियान चलाकर फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। बता दें कि मढ़ौरा के भावलपुर निवासी गोलू कुमार की मौत उस वक्त हो गई थी जब एक फर्जी डॉक्टर पथरी का ऑपरेशन कर रहा था। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो YouTube देखकर उसने ऑपरेशन कर दिया। मरीज की मौत के बाद गरखा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी से बात कर करके हम लोग इसमें एक अभियान चला रहे हैं कि इस जिले में ऐसे जितने फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं उन सभी पर हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। आम जन से भी अपील है कि कृपया ऐसे फर्जी संस्थानों में ना जाएं, अपने जान और माल की सुरक्षा करें, उसकी डिग्री जरूर चेक करें, काबिलियत जरूर चेक करें और जरा भी संदेह होने पर तुरंत प्रशासन को खबर करें। खबर अब जहानाबाद से है, जहां पानी में डूबे किशोर की मौत के बाद सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि गणेश दत्ता नगर का रहने वाला विकास गड्ढे से भरे पानी में डूब गया था। उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया और जिसके बाद परिवार के लोग भी वहां पहुंचे। परिवार के सदस्यों का आरोप ये है कि उनके बेटे की सांस चल रही थी लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। नाराज लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया और साथ ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से भी मारपीट की। सदर अस्पताल के डॉक्टर का यह दावा है कि दो डॉक्टरों ने उसकी जांच की थी जिसके बाद उसे मृत घोषित किया गया था। आए थे तो देखे कि पारा है वही जगह। अच्छा। करकटे में एकदम स्थाई के लिए कोई इलाज नहीं, कोई इलाज कोई डॉक्टर इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं रे बाप, कोई इलाज नहीं किया, कोई इलाज नहीं, अरे बाप कोई छूरो नहीं किया है इसको पैर से, अरे बाप रे बाप। नर्सिंग स्टाफ थी, जेंट्स थी, लेडीज थी, दोनों को पीट दिया है। वो लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए हैं ना। और उसके हम लोग तो अपना बचाव में अपनी सुरक्षा में रूम को बंद करना पड़ा। हमको टाउन थाना को फोन किया, 10 बार फोन किया, कोई रिस्पांस नहीं। सुपरिटेंडेंट को फोन किया, कोई रिस्पांस नहीं। क्या आरोप लगा रहे थे, क्या चाह रहे थे? उन लोग कह रहे थे कि उनका कहना था कि मेरा मरीज जिंदा है, जबकि 4 डॉक्टर, 2 डॉक्टर 2 बजे से पहले, 2 डॉक्टर 2 बजे के बाद, हम लोग 4 डॉक्टर को नोटिफाई कर दिए थे कि बच्चा जिंदा नहीं है। सिवान में 6 घंटे के भीतर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहली घटना दरौंदा के रंगरौली गांव की है, जहां घर में सोई महिला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह भूमि विवाद बताई जा रही है। दूसरी घटना हुसैनगंज के कुतुबपुर छपरा गांव के पास की है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसपी ने दोनों मामले में अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। लोग स्थानीय थाना को बताएंगे और कुछ जानकारी दी है, उस पर कार्रवाई चल रही है। आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? छापामारी चल रही है। और अब खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां पत्नी और उसके रिश्तेदार ने मिलकर पति जहांगीर की हत्या पीट पीट कर दी। हत्या का आरोप मृतक की पहली पत्नी के बेटे शमसाद पर लगा है। बताया ये जा रहा है कि पिता जहांगीर के शराब पीने से उसकी मां नाराज थी और बहन के 2 बेटों को बुला करके उसे घर से खींचकर मारपीट की और पटक पटक कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी डायल 112 टीम को दी गई, जिससे बता दें आपको कि हमलावरों ने घायल होने की बात कहकर वहां से चलते बने। मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी है। आरोपी पत्नी के साथ एक महिला और युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 युवक फरार हैं। उसके बाद इतने में कहा कि खाला अपनी बहन के बेटा को कॉल कर दी, फरहान को, वो आया और उसका एक और भाई आया हलीम, दोनों मेरे पापा को यहाँ से पहले कॉलर पकड़ के तरवाक से मारते हुए लेके गया इस्लामिया बीएड कॉलेज, फिर हमको मारने लगा। तो पापा जो मार रहा था ना हमको, उसका हाथ पकड़ लिए फरहान का, तो वही पापा को सीना में हाथ लगा के पूरा ऐसे पटक दिया, वही पापा का पूरा सर फट गया है। उसके बाद रात भर फिर फैट से खूब मारा, सीना पे मारा, हमको भी मारा। एफएसएल टीम को सूचित करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर मृत्यु का कारण पता किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि इनकी पत्नी तथा बेटे द्वारा इनके साथ मारपीट की घटना की गई, जिस क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई संबंध में की जा रही है।
हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के यूपी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। सभी हजारीबाग से पेटरवार अपने घर जा रहे थे। तीनों मृतकों की पहचान हो गई है, जिसमें राहुल अग्रवाल, दीपेश प्रसाद और चालक हेमंत प्रसाद शामिल हैं। हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर सभी शव को अस्पताल भेजा गया। ये जो सड़क का जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है उसको ब्लैक स्पॉट बनाना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। दूसरा है कि NHI का एम्बुलेंस जब चरही में रहता है, उसी सराउंडिंग एरिया में रहता है, तो सिर्फ एक्सीडेंटल मरीज को, दुर्घटनाग्रस्त मरीज को ही पहुंचाने के लिए अस्पताल ना हो, बल्कि जो शव हैं उनको भी सम्मान देते हुए उनको भी अस्पताल तक कम से कम सुरक्षित स्थान तक अगर पहुँचाया जाए। और भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर जहां बबरगंज में बीजेपी नेता शशि मोदी पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता गणेश पूजा में एक लड़की से छेड़खानी का विरोध किया, जिसके बाद युवकों की टोली ने उन पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। बीजेपी नेता को चाकू मारी गई और लाठी डंडे से भी पीटा गया। फिलहाल उन्हें JLMNCH में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 की संख्या में युवकों ने उन पर हमला बोला और बीजेपी नेता के साथ एक युवक को भी चोट आई है। घटना के बाद बीजेपी के कई नेता अस्पताल पहुंचे और घटना का विरोध किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। वो लोग मेला देख रहे आया था, उसका मोबाइल इन लोग जो है जबरदस्ती जो है चोरी सता करके छीन रहा था। चौधरी डी का लड़का सर उसी में जो है वो हल्ला करने लगा, तो जो है सब समिति का लड़का सब दौड़ा, तो उसी में जो है उन लोग को जो है दंडित किया गया। उसी का बस ये सब परिणाम है और कुछ नहीं है। किसको किसको मारा है आपको और किसको मारा? हम तो सर बैठे हुए थे, शशि मोदी को देखे हम, तो हम भी वहाँ पे थे तब तक हमको आगे तीन चार लाठी ऊपर से मारा। मैं SSP महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए, कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं। बिहार में लगातार भाजपा नेताओं पर हमले का दौर जारी हो चुका है। कल जहां पटना में एक भाजपा नेता की हत्या कर दी गई, वहीं आज भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महादेव तालाब कुतुबगंज में भाजपा नेता शशि मोदी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें बम और गोली से अपराधियों के द्वारा हमला करने के बाद जो है लाठी डंडे और चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनका इलाज अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में चल रहा है। वहीं गोलू नाम का एक युवक भी घायल हुआ है, जिसकी आंख में गंभीर चोट है। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो थे हम उनसे बात करते हैं, किस तरह से घटना हुई और घटना का कारण क्या था? घटना का कारण है कि जो है चौधरीडी का जो है BS पीने वाला सब चोर सब है, वही लोग बराबर जैसे अप्रिय घटना करते रहता है। वहाँ गणेश जी का प्रतिमा जो है बैठा हुआ है, तीन जो है गणेश जी का प्रतिमा बैठा, कल भी जो है वो लोग आके लड़की लोग को छेड़खानी किया और उसके बाद दो एक दो ठो का मोबाइल छीन लिया और जो जिसका लड़की को छेड़ा और विरोध करने के बाद उसको फटाफटी मारना शुरू कर दिया। हम लोग दौड़े तो उसके बाद हम लोग को भी गाली गलौज मारने पर उतारू हो गया। तब हम लोग 112 को फोन किए, 112 आया, अपना खाना पूर्ति करके चले गए। शशि मोदी फिर बबरगंज प्रभारी, बबरगंज का एक जमेदार को फोन किए, वो भी आए, फिर वो भी गए, फिर वो भी चले गए और उसके बाद वो लोग आज घात लगाकर जो है इसी तरह मेला में बदमाशी करने आए। BS पहले पिया है वहाँ रेलवे लाइन पे, अब BS पी के उसके बाद यहाँ आके बस डायरेक्ट जो है बम चलाना शुरू किया। बम चला के उसके बाद जो है गोली चलाया है, एक बम चलाया, तीन गोली चलाया। कितने लोग थे वो? लगभग 35 से 40 लोग था। क्या चीज से मारा है? मारा है इसको पहले बम से मारा है, उसके बाद गोली चलाया है और उसके बाद जब गिरा तो इसको हसुआ लेके मारा है, ताड़ छेपने वाला हसु से मारा इसको, पीछे प्रहार किया। इतने वाली बात है कि भागलपुर पुलिस जो है इस कांड के अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है? आशीष रंजन, News 18 भागलपुर। खबर बेतिया से है, जहां शिक्षकों से भरी नाव पलट गई थी। इस हादसे के बाद पश्चिम चंपारण के DM दिनेश राय का बयान सामने आया है। DM ने कहा कि DO के माध्यम से BO से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और दियारा के स्कूलों को बंद करने को लेकर समीक्षा की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से अविलंब प्रतिवेदन प्राप्त करने को कहा गया है कि वस्तु स्थिति क्या है, लेकिन अभी तक सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई है। जहाँ तक बात है शिक्षकों को आने जाने के बारे में, तो नदी के तेज बहाव के कारण शिक्षक को या किसी आम नागरिक को भी नाव के परिचालन पर पूर्ण से प्रतिबंध है। ये बिल्कुल ही गलत कार्य है आना जाना। जहाँ पर कार्यालय है वहीं आसपास सुरक्षित स्थान पर रहना है। पटना सिटी में अगमकुआं के NMCH के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सोमवार को पूरे दिन अफरा तफरी के हालात रहे। अस्पताल में OPD में इलाज के लिए 3000 से अधिक मरीज के पहुंचने से हालात बेकाबू दिखे। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रुक रुक कर हंगामा होता रहा। वहीं अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मी लोगों को शांत कराने में जुटे रहे। बता दें आपको कि भीड़ की वजह से मरीज और उनके परिजन घंटों कड़ी धूप में खड़े रहे। भीड़ की वजह से कई मरीज बिना इलाज के ही लौट गए। लोगों ने अस्पताल में प्रशासन से जल्द काउंटर की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। इतना कष्ट है भाई, क्या करें, इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे। जब तक लाइन अलग है, जेंट्स लाइन अलग है, कैसे सरकारी कैसे काम चलेगा? अब नंबर आएगा कब हम दिखाएंगे ये बताइए। तो जब तक लाइन लगता तो डॉक्टर उठ जाएगा, ठीक है? हाँ, उठ जाएगा, लंच टाइम हो जाएगा उनका, सरकारी हुआ ना। हाँ। काउंटर ही कम है, काउंटर की कमी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काउंटर बननी चाहिए, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतने धूप में आप लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए? धूप, वो भी सेट भी नहीं लगा, मतलब सेट से बाहर सब खड़े हो रहे हैं अब तो। हाँ। यही भी तो ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे बच्चे को दिखाना है। ये होना चाहिए था कि भाई बच्चे के लिए अलग स्पेशल अथी होना चाहिए थी, कि एक अलग अथी बना रखे हैं बच्चे के लिए, बड़ों के लिए अलग अलग बना रखे हैं, लेडीज़ के लिए अलग बना रखे हैं। और चलिए